हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 9 से लेकर 10 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न था कि भारत का प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया गया है। तो इसका जो जवाब है वो तन्मय बाघे ने दिया है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। स्थापना 1981 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, प्रदेश का पांचवा प्रोजेक्ट टाइगर था और ये बनाया गया था 1999 में। ठीक है, ध्यान रखिए 1999 से बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से इसको जाना जाता है। नर्मदा की सहायक नदी देनवा नदी और तवा नदियों का उद्गम मतलब यहां से निकलती हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट है, कृष्ण मृग सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से इंडियन बायसन जो गौर पक्षी जिसको कहा जाता है उसका संरक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। इंडियन बायसन को स्थानीय लोगों के द्वारा गायल, मिथुन, गाय, गौरी, गवली, वोदा आदि नामों से भी जाना जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 14 लुप्त प्रजातियों के संरक्षण व निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो पचमढ़ी में है, घूरना, मढ़ी पर्यटन स्थल आदि शामिल है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क को साल और सागौन प्रकार के वनों की अद्भुत स्थली के रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष होशंगाबाद जिले में ही मिलते हैं। ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो सागौन के वृक्ष हैं वो होशंगाबाद जिले में ही पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मध्य भाग को हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। दूसरा प्रश्न का आंसर है, भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किया गया है। यह एक प्राचीन शहर और मध्य प्रदेश में एक पवित्र स्थान। शिवपुरी को पहले सिपरी के रूप में जाना जाता था। यह नाम भगवान शिव से लिया गया है। ठीक है, यह स्वतंत्रता पूर्व काल के लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को मृत्यु तक फांसी दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, और इनका स्मारक जो भी है वो भी वहां पर बना हुआ है। शिवपुरी पक्षियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है और कई पर्यटक पक्षियों की विशाल प्रजातियों को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे माधव चौक है, मुख्य बाजार जो शिवपुरी का है, मुख्य चौराहा है। सैलानियों के ठहरने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से की ओर से टूरिस्ट विलेज की स्थापना भी करी गई है। यहाँ प्राकृतिक कुंड भदैया कुंड के निकट स्थित है। शिवपुरी में झांसी शिवपुरी के मध्य माधव नेशनल पार्क स्थित है जिसका क्षेत्रफल 157.58 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना क्षेत्रफल कम नहीं होगा, खैर इसका थोड़ा सा ज्यादा है। दूसरा इसमें एक्चुअल में जो आपकी अन्य चीजें हैं वो इंक्लूड करी हैं। और देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसा स्थान है जिसे उस राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था। होशंगाबाद ऐसा पहला जिला है जहां पर सिविल न्यायालय ऑनलाइन हुआ था। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में स्थित है। पहला जैवारक्षित क्षेत्र पचमढ़ी में। अब एक चीज ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में 3 जैवारक्षित क्षेत्र हो चुके हैं। ठीक है, 3 जैव आरक्षित क्षेत्र ये हो चुके हैं। ठीक है, पहला तो आपका ये पचमढ़ी हो गया। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र है वो हो गया आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कहा जाता है। दूसरा जो हो गया उसको कहते हैं अचानक मार, जो मध्य प्रदेश में आता है और ज्यादातर हिस्सा इसका वैसे छत्तीसगढ़ में आता है। तो अचानक मार हो गया और एक जो आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इतने बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश में टोटल हो गए हैं। तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, यूनेस्को ने जिनको डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरा, केंद्र शासन जो है वो ना पहले डिक्लेयर करता है, उसके बाद फिर यूनेस्को करता है। ऐसी 3 आपके मध्य प्रदेश में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो भी मध्य प्रदेश में कितनी है, 3 ही हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये बाबई में है। बाबई माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली भी है। सबसे लंबा नदी पुल, हालांकि अब ये सबसे लंबा नदी पुल नहीं रहा है, इससे लंबे ऑलरेडी 2 पुल बन चुके हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। बाकी ये तवा नदी पुल है, करीब आई थिंक 1.5 किलोमीटर लंबा जो है वो ये बनाया गया है।
भारत का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी, शिवपुरी का प्राचीन नाम सिपरी था। यहाँ पे एक नरवर करके जगह है, ये भी ध्यान रखें, यहाँ पे नरवर करके एक जगह है, वहां पे एक नरवर का किला है, ठीक है। और इस यहाँ पे एक भगवान विष्णु की एक लेटी हुई प्रतिमा मिली है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है गुप्त वंश की, वो मतलब गुप्त काल की के टाइम के आसपास की है। शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान है, 1958 में स्थापित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जार्ज कैसल भवन है, शिवपुरी में नरवर का किला है, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। सांख्य राजे एक्चुअल में सांख्य झील है, जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर ये झील है। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है, जो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जाना जाता है। शिवपुरी में पीरबदन का मेला लगता है, तात्या टोपे की समाधि है। और कामधेनु अभ्यारण्य की स्थापना आगर में 24 दिसंबर 2012 में करी गई थी। तो पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएगी। आज के लिए आपके प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी सॉरी किस ग्राम में लगाया गया था, ठीक है, ये आपको पूरा कमेंट करके बताना है। दूसरा है, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो इन दो को आपको कमेंट करके बताना, इनका जितना डिटेल आप दे सकते हैं दीजिए। हमारा मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक अगस्त तक का आ चुका है। देखिए, अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए है, तो प्रीमियम कंटेंट तो आपको इसी के अंदर मिलेगा। कुछ तो चीज़ें हमें इंक्लूड करते हैं इसमें, जैसे आपका स्ट्रेटेजी के हो गया, कुछ इस एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी रहता है जो वीडियोस में अवेलेबल नहीं होता है। बाकी वीडियोस का जितना भी करंट अफेयर रहता है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। और थोड़ा सटीक रूप में इसको दिया जाता है, वीडियो में कई बार बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं हो पाती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ई बुक्स में इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। दूसरा पेड भी है, तो थोड़ा सा हमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐसा भी देना रहता है जो जो लोग खरीद रहे हैं, जो एटलीस्ट जो 35 रुपये महीने दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको उससे कुछ एक्स्ट्रा फायदा। दूसरा, मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है ये 2500 MCQ है। क्वेश्चन आंसर इसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव MCQs के फॉर्म में। यहां से आप ये मान के चलिए कि आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न, व्यापम के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। और एक कलेक्शन है, एक हमारा व्यापम में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है व्यापम में रिपीट होते हैं, उसके लिए भी हमारी ई बुक्स आएंगी। बहुत सारी ई बुक्स जो है आपको आगे आने वाले 1-2 महीनों में मिलेंगी। इसके अलावा मंथली अगर आप लेना चाहें तो सारा मंथली अगस्त तक का पूरा अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप 6 मंथ एडिशन लेना चाहते हैं, अर्धवार्षिकांक, तो आपका वो भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं जनवरी से जून तक का। और उसके बाद फिर आपको जुलाई से सेपरेट लेना पड़ेगा। 6 मंथ का एडिशन जो है वो तो आपका जनवरी 2021 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी रहेगी, मतलब दिसंबर की जब हमारी मैगजीन लॉन्च हो जाएगी उसके बाद इसको हम बनाएंगे, जो आपका जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक का होगा। तो इसका इंतजार ना करें, आप मंथली लीजिए और पढ़िए, ठीक है। इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। ये कुछ और नोट्स हैं, वो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा बारकोड है, इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ही प्रश्न है। हाल ही में प्रदेश का पहला डिमोलेशन ग्राउंड यानी कि विध्वंस मैदान कहाँ बनाया गया है? तो ये जो विध्वंस मैदान है, डिमोलेशन ग्राउंड है, ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जबलपुर सांस्कृतिक राजधानी है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है मध्य प्रदेश का जबलपुर। और यहाँ पे एक घाट है, तिलवाड़ा घाट, ठीक है। तो तिलवाड़ा घाट वही घाट है जहाँ पे महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित करी गई थी। और एक्चुअल में क्या है, महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वो बहुत बहुत सारे घाट्स पे एक्चुअल में विसर्जित करी गई थी, उनमें से एक मध्य प्रदेश में तिलवाड़ा घाट आपका एक एक। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश में रामेश्वर करके एक जगह है, जो आपका मुरैना श्योपुर के आसपास पड़ता है। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, ठीक है, 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। यहाँ पर भी जो महात्मा गांधी हैं उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था, ठीक है। अब प्रदेश का जो पहला सॉरी डेमोलेशन ग्राउंड है, विध्वंस मैदान है, वो खमरिया में बनाया गया है। खमरिया कहाँ पर है आपका? खमरिया है जबलपुर में, जहाँ पे रक्षा उत्पाद कारखाने हैं, मतलब जो रक्षा उत्पाद जो है, जैसे आपका बॉम्ब हो गया या धनुष तोप है, आपको पता है मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं जो है वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग प्रूफ रेंज है, LPR, यहाँ पर अत्याधुनिक तरीके से पुराने जो गोला बारूद हैं उनको नष्ट करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। करीब 1.5 साल में ये बना है,
और इसके तैयार होने के साथ ही मध्य प्रदेश में, जो हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, मतलब केंद्र सरकार का एक उपक्रम होता है, तो उसको 10 करोड़ रुपए की बचत इससे होगी। अभी प्रदेश की जो आय निर्माणिया है, ठीक है, आय निर्माणिया यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, और सीओडी भंडारण में रखे पुराने गोला बारूद को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भेजना पड़ता था। और यही कारण था कि इनको भेजने में करीब 10 करोड़ रुपए का खर्चा होता था। तो सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट की जो लॉन्ग टूथ रेंज है, उसमें करीब 14.5 किलोमीटर क्षेत्र में इसको बनाया गया है, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र, मतलब 14.50 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतने क्षेत्र में इसको बनाया गया। अब थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे बात करें सॉरी कि आपका जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है, तो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी कटनी में है, ध्यान रखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में है, और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो आपकी इसी प्रकार से इटारसी में भी है। दो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो ये हो जाती है आपकी। तो कटनी वाली जो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। एक मध्य प्रदेश का जो मालनपुर है यानी कि भिंड जिले में, मालनपुर में एक बहुत ही मॉडर्न, मतलब बोलना चाहिए आधुनिक हथियार फैक्ट्री वहां पर एक बनाई गई है, जो बनाई गई है इजराइल के सहयोग से, ठीक है, ये ध्यान रखिए, अभी बनाई गई है रिसेंट में, 2017-18 का करंट अफेयर है, ठीक है। और कहाँ बनाई गई है, मालनपुर में बनाई गई है आधुनिक हथियार फैक्ट्री। जबलपुर में आपका वाहन निर्माण कंपनी भी है, ये केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। इसके अलावा ये मतलब मेन जो रक्षा से संबंधित है, रक्षा उत्पादों से संबंधित है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने भी हाल ही में लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान शुरू करा है? तो ये जो विभाग है, ये विभाग है एक्चुअल में हस्तशिल्प विकास निगम। हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना जो है वो मध्य प्रदेश में 1981 में करी गई थी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये विभाग जो है इसने लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान का शुभारंभ जो है वो किया हुआ है। तो दीपावली के अवसर पर स्थानीय जो शिल्पकार होते हैं, जो छोटे छोटे गांव में या स्थानीय का मतलब होता है कि जो बेसिकली मध्य प्रदेश के ही, उनके द्वारा उत्पादित मिट्टी के दीयों को, सूती रेशमी हथकरघा वस्त्रों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान शुरू करा गया है। लोकल का मतलब ये होता है कि हमारे जो एमपी के हैं, दिए जनरली हम क्या है, हम दिए रोड से नहीं खरीदते हैं, आजकल हम क्या है चाइना वेस्ट दिए खरीदने लगे हैं, क्योंकि तो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो इनको जो इस तरीके के जो छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको एक्चुअल में काफ़ी हेल्प नहीं हो पाती है, तो हमें दिए जो है वो उनसे ही खरीदने चाहिए। इसके साथ ही ये जो निगम है, इसके द्वारा भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, इंदौर में, चार महानगर हो गए, इसके अलावा सागर में दीपोत्सव मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई है, 1981 में हुई है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, फिर इसमें बाद में आई थिंक नहीं 1999 में, 1999 में इसमें क्या हुआ कि जो हथकरघा डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, ठीक है, हथकरघा निगम जो है उसको इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हथकरघा से संबंधित जितने भी कार्य थे वो इसी विकास निगम में एक तरीके से मर्ज कर दिया, इन दोनों डिपार्टमेंट को, हस्तशिल्प और हथकरघा को। कब करा, 1999 में, और ये डिपार्टमेंट क्या बन गया, हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम बन गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसका नाम तो अब बदल गया, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम हो गया। फिर क्या हुआ, 2013 में एक बार इसका नाम फिर से बदला गया, और 2013 में इसके आगे लगा दिया गया संत रविदास, ठीक है, संत रविदास मध्य प्रदेश, संत रविदास या संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम। इस तरीके से पूरी कहानी इसकी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, COVID-19 के दौर में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक प्रशिक्षण शुरू करा जा रहा है। ये प्रशिक्षण एक छोटी सी ट्रेनिंग होगी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग ये नहीं है, और इसके तहत जो संस्थान है उसको कौशल परीक्षण प्रमाण पत्र कोर्स, उद्यमिता कार्यक्रम, हुनर से रोजगार के तहत प्रशिक्षण
संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तीन कोर्स प्रमुख रूप से इसमें बनाए जा रहे हैं। इसमें हर विधा के लिए, ठीक है, इसमें हर विधा के लिए अलग अलग संख्या भी निर्धारित करी गई है। जैसे कौशल परीक्षण प्रमाण पत्र में 90 युवा शामिल हो सकते हैं, उद्यमिता कार्यक्रम में हुनर से रोजगार में 60 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशिक्षण 20-20 संख्या की बैच में दिया जाएगा। ये जो प्रशिक्षण है ये दो जगह ग्वालियर में और आगरा में संचालित किया जा रहा है, पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके दौरान, इस प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को कुकरी, बेकरी और कौशल परीक्षण के लिए कोर्स कराए जाएंगे। फिर तो आपको पता होना चाहिए कि इस तीन तरीके के कोर्स जो है वे ग्वालियर में आपका जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहां पर करवाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किस शहर में स्थित लाखा बंजारा झील का सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अभी एक हमारी एमपी जीके की सीरीज भी चल रही है, उस पर भी आप थोड़ा सा वीडियोस को देखें, रिस्पॉन्स करें। उसमें अब आपको थोड़े से नए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा व्यापम जो प्रश्न हट के पूछता है, उस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। वो मैं नहीं बना रहा हूँ, हमारी टीम के ही एक मेंबर हैं वो उसको बना रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि और भी काम होते हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको उनकी वीडियो पर भी थोड़ा रिस्पॉन्स करना चाहिए, आपका भी एक मोरल सपोर्ट उनको मिलेगा तो वो आगे और अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ भी आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी पूरा जो वीडियो है वो हमारे गाइडेंस में ही बनाया जा रहा है, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड करना, धीरे धीरे हम उसमें लेवल भी अब बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन से उसको शुरू करा है, लेकिन उसमें धीरे धीरे अब लेवल बढ़ेगा, तो आप उसको भी थोड़ा सा देखें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें। देखिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो लाखा बंजारा झील है, ये झील है आपकी सागर में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि लाखा बंजारा झील की जो सफाई है और सौंदर्यीकरण का काम तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ इसमें डी सिल्टिंग, सिल्ट जमा हो जाती है, जैसे बहुत सारी मिट्टी झील के अंदर जमा हो गई है, ठीक है, उससे उसका लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मोगा बंधान के निर्माण की प्लानिंग शुरू हो गई। तो ये मोगा बंधान या मोगा बांध, छोटा सा बांध होता है उसको बंधान बोलते हैं, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, सागर में बनाया जा रहा है, लाखा बंजारा झील पर। बंधान के यहाँ बांध बनाने से मिट्टी का, मतलब बनाने के लिए मिट्टी का परीक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित मुंज तालाब में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएंगी। तो ये मांडू में है आपका मुंज तालाब, आपको पता है कि जो जहाज महल है, ठीक है, जहाज महल के पीछे एक तालाब बना हुआ है। एक्चुअली में जहाज महल उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ तालाब है, तो ऐसे लगता है महल जब पानी भर जाता है वहां पे, या तालाब में पानी होता है, या बरसात में जब पानी भरता है, तो ऐसे लगता है कि जहाज के जैसा महल है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मांडू नगर परिषद, ठीक है, मांडू नगर परिषद और पुरातत्व विभाग, इन दोनों की एक योजना के तहत ये जहाज महल के पीछे मुंज तालाब में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू करके पर्यटकों को लुभाया जाएगा। रंग बिरंगी लाइट लगा के उसको खूबसूरत भी बनाया जाएगा। जहाज महल की अगर बात करें तो देखिए, दो कृत्रिम तालाबों, मुंज तालाब और कापुर तालाब, इनके बीच में ये जहाज महल बना हुआ है। यहाँ यह जो तालाब है वो राजा मुंज के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसको मुंज तालाब के नाम से जानते हैं। बाकी मांडू के बारे में हम पहले भी काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम अभी मांडू के बारे में आपको नहीं बता रहे। जैसे अशरफी महल है आपका, जो राजा हुशंगशाह का महल है आपका, रानी रूपमती पवेलियन यानी कि रानी रूपमती मंडप है आपका, दाई महल है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो आपकी देखने लायक हैं, जो पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के हो जाते हैं। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, अच्छा लगा है लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।